दोस्तों जब आप YouTube पर नए होते हो तो बहुत कोशिश करने के बाद भी एक अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं हो पाती है। तो दोस्तों ये केवल आपके साथ नहीं हो रहा है, ये 98% लोगों के साथ होता है। हर कोई जब YouTube पर नया होता है तो एक क्वालिटी की वीडियो नहीं बन पाती और दूसरा कैमरा को फेस करने में काफी प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो बाहर बहुत अच्छे से बोल लेते हैं, पब्लिक में भी बहुत अच्छे से बोल लेते हैं, लेकिन जब उन्हें कैमरा को फेस करना होता है तो वो कैमरे पे सही से नहीं बोल पाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन दे रहा हूं, तो वो आप कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप कैमरा पे शूट कर रहे हैं तो आप उसको कैमरे की तरह ना सोचे, जो भी आप शूट कर रहे हो कैमरे से या मोबाइल से, आप उसको एक पर्सन की तरह ट्रीट करें। और अगर पर्सन में आप अपने बेस्ट फ्रेंड उसको समझ लेते हैं कि ये जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है मैं इससे बातें कर रहा हूं, तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, आप इजिली जो कुछ भी बोलना चाह रहे हैं वो आप बोल सकते हो। इसके अलावा अगर आपने तीन चीजों का ध्यान दिया तो डेफिनेटली आपकी वीडियो और ज्यादा अपीलिंग लगेगी। इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है वोकल, यानी कि आप किस तरीके से बोल रहे हैं। कई बार होता क्या है, आप शुरुआत में बहुत ही एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर आगे आते आते फिर स्लो 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 फिर स्लो बोलने लगते हैं। तो इस तरीके का आपको नहीं करना है, आपको ऐसा नहीं करना है कि बहुत ही एनर्जी से हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, इस तरीके से आपने स्टार्ट किया और उसके बाद फिर बिल्कुल डल आपकी हो जाती है और धीरे धीरे फिर आपका क्या होता है, जो आपकी पिच होती है वो आप उसको डाउन करते जाते हैं। तो ये चीज आपको नहीं करना है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं और ऐसा नए यूट्यूबर के साथ नहीं होता है, जो पुराने यूट्यूबर होते हैं उनके साथ भी सेम होता है। इवन तो कई बार मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है, कई बार मैं वीडियो एनर्जी के साथ बहुत फुल एनर्जी के साथ स्टार्ट करता हूं और जब आगे वीडियो में आता जाता हूं तो फिर क्या होता है कि जो एनर्जी होती है वो डाउन होती जाती है। और यूजुअली जब मैं एक एक दो दो घंटे की वीडियो शूट कर रहा होता हूं तो उसमें क्या होता है कि आप चाहे जितना कोशिश करो मेंटेन करने की, वहां पर डाउन चली जाती है। तो इसके लिए आप क्या करें, बीच में आप ब्रेक ले सकते हो, छोटा सा आप ब्रेक ले ले, पॉज कर ले, उसमें फिर क्या कर सकते हो, आप चाय ले सकते हो, छोटा सा स्नैक्स वगैरह ले सकते हो, पानी आप ले सकते हो। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो एनर्जी जो डल हो रही होती है वो एनर्जी आपकी वापस आ जाती है। तो क्योंकि वो वोकल का बहुत इफेक्ट पड़ता है कि आप किस तरीके से बोल रहे हो। जैसे अभी मैं जो बोल रहा हूं, अगर मैं यही चीज स्लो आराम से बस ऐसे ही बोलता रहूं तो फिर यार कोई देखेगा ही नहीं। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। इसके बाद सेकंड आपका आता है कि आप विजुअली किस तरीके से दिखा रहे हो। अब कई बार क्या होता है कि लोग जैसे बोल रहे होते हैं, अभी मैं क्या है, मैं हाथों को इस तरीके से कर रहा हूं, कुछ चीज समझा रहा हूं तो इस तरीके से, जैसे अभी मैंने पिच का एग्जांपल दिया था कि हाई रहती है फिर लो हो जाती है, तो मैं अभी हाथ से समझा रहा हूं, तो हाथ से आप ऐसे कर सकते हो। अब कई बार क्या होता है, लोग ऐसे बैठ जाते हैं, अब बैठ जाएंगे आप, ठीक है मैं आपको पढ़ा रहा हूं या कुछ चीज बता रहा हूं, तो बताते हैं दोस्तों क्या हुआ था कि वहां पे ऐसा हुआ था और ये चीज नहीं करनी चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। और कई बार क्या है, आई कॉन्टेक्ट भी उनका नहीं होता है, वो क्या करते हैं, जैसे अभी बात कर रहा हूं, अभी मैं आपको देख करके बात करूं तो वो क्या करेंगे, नीचे थोड़ा सा नीचे देख लेंगे। तो अभी दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि इस वीडियो में क्या हुआ था। अब क्या है, आई कॉन्टेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। जब तक आई कॉन्टेक्ट नहीं होगा तब तक आपका वो ऐसा लगता ही नहीं कि सामने यहां बात कर रहा है। तो ये चीज आप ध्यान दें। कई बार क्या होता है, फोन से अगर आप रिकॉर्ड करते हो तो फोन में कई बार क्या होता है, जैसे मैं इस फोन को मैं ले रहा हूं, जैसे ये फोन है, अब यहाँ पे कई बार क्या है, लोग यहाँ पे देखने लगते हैं, यहाँ पे नहीं देखते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, जहाँ पे आपका कैमरे का लेंस होता है आपको उसी को देखना है। और कई बार क्या करते हैं लोग, जब स्क्रीन वाली रिकॉर्ड करते हैं सामने से देख रहे होते हैं तो फिर वो केवल स्क्रीन को देख रहे होते हैं, तो वो चीज आपको नहीं करना है। जैसे ये स्क्रीन से शूट हो रहा था, अब मैं क्या करूंगा, स्क्रीन पे मैं देखूंगा, स्क्रीन पे नहीं देखना है दोस्त, आपको जो कैमरा का जो जहां पे लेंस होता है वहां पे आपको देखना है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। इसके अलावा थर्ड काम आप कर सकते हो, कई बार क्या होता है जैसे कि आप नए हो तो आपका आई कॉन्टेक्ट टूट जाता है, या कई बार जैसे आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, तो जैसे अब मैं देख रहा हूं, कई बार जैसे मुझे स्क्रिप्ट देखनी है तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा नीचे देखने लगूंगा, लैपटॉप में पढ़ने लगूंगा। तो वहां पे आपको क्या करना होता है, अलग से आपको विजुअल्स डाल देने होते हैं, जैसे कोई वीडियोस है वो आप डाल दो, या कोई एक्टिविटी हो रही है तो वो डाल दो, या जैसे कई बार क्या होता है, जैसे मैं किसी चीज के बारे में बात करूं तो वो टेक्स्ट में आ जाता है, या पॉप अप करा दो आप, पॉप का जो साउंड होता है, तो वो चीज आप करा सकते हो। और इसके अलावा आप विजुअल्स भी, बहुत सारे विजुअल्स होते हैं आज के समय में, आप देखोगे बहुत सारे ऐसे चैनल है जिसमें फेस है ही नहीं, केवल विजुअल से उनका चल रहा है प्लस उनका वॉइस चल रहा है, ये दो चीजों से ही चल रहा है। तो विजुअल्स आप डालें, भले ही आप वीडियो शूट कर रहे हैं आप सामने हो, लेकिन उसमें अगर आप विजुअल्स डालते रहेंगे तो लोग क्या इंटरेस्ट लेते हैं। हालांकि जैसे ये आप कोर्स कर रहे हो तो कोर्स में मैं विजुअल्स ना भी डालूं तो भी आप, क्योंकि आप इंटरेस्टेड हो तो आप देखोगे ही, हालांकि जब विजुअल्स डालते हो तो क्या है, थोड़ा एफर्ट और बढ़ जाता है आपका, तो इसका लेकिन रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा। तो इन तीन चीजों का अगर आपने ध्यान दिया तो डेफिनेटली आपकी वीडियो जो बनेगी बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोड्यूस होगी, और बकाया आप वीडियो बनाइए, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी आता है,
काटा जाएगा और वीडियोस में भी सुधार हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है, शुरुआत में आपकी एडिटिंग जो लेवल होती है वो लो होती है, फिर धीरे धीरे एडिटिंग लेवल भी सुधर जाती है। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। और फ्री में यूट्यूब का प्रीमियम कोर्स चाहिए तो आप हमारे ऐप या वेबसाइट से लर्न कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर लो। बाय।